पंजाब में आज बाबा वकाला के रेलवे स्टेशन बुटारी पर फास्ट न्यूज इंडिया की टीम पहुंची, जहां किसानों द्वारा धरना लगाया गया है। उनका कहना है कि जो सरकार द्वारा किसानों के लिए जो बिल पास किया गया है, उसके चलते आज आसपास के इलाकों से आए हुए किसान इकट्ठा हुए हैं और धरना लगाकर ट्रेनों की रोकथाम की गई है। यहाँ के जिला सतबालकर सिंह, जनरल सेक्रेटरी गुरनाम सिंह और प्रधान यहाँ मौजूद है। इनसे हमें जानकारी मिली कि यह सुबह शाम 19 दिनों से धरना लगा रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी समस्या का हल नहीं होगा, इनकी पुकार नहीं सुनी जाएगी, तब तक इनका यह संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। पंजाब से गुरलाल सिंह बरोड़ा की रिपोर्ट। चैनल फास्ट न्यूज़ इंडिया, सारे वेखण वाले दर्शकों नमस्कार। अज असी डिस्ट्रिक्ट अमृतसर तहसील बाबा बटारी स्टेशन से खड़े हैं, धरना लगा किसानों ने। किसानों पुछते हैं भी किसानों का की विचार है, की उन्होंने दिक्कत आ रही है। बिल्ला किसानों इस वे दिक्कत जो नवा कानून बनाया गया वो संबंध है सब तो ज़्यादा, क्योंकि ये जदों कारपोरेट घराणिया सौंप दिता जाना सारा कुछ ही, साड़ी सस्ते मुल के उत्ते खुराक सारी दी सारी खरीद के झोना कणक दूसरिया तेल बीज जिन्हिया भी फसल कौडिया के भा खरीदे तो महंगे भा स्टोर करके तो फिर लोगों बेचणगे। इस बिल दे विच जिथे साडे देश की किसानी तबाह हो जाणी, कंट्रैक्ट बेस का मतलब आ उन्होंने जमीन ले लेनिया ठेके दे लैणगे, खेती कराउणगे, उहदी क्वालिटी तय करनगे। जदों किसान तबाह हो गया, मंडी ना रही, ये अधिकार दे दिता पैन कार्ड वाला जिथों मर्जी फसल खरीदे जिथे मर्जी बेचे। अज की उदाहरण आ, नवी खबर सामने आई आ, यूपी दे विचों व्यापारी 650 झोना खरीद रहे, इतने आके सरकारी खरीद पा रहे, क्योंकि किसानों के संघर्ष करके इतने ऐरक की साल सरकारी खरीद हो रही है, तो वह लिया के इतने बेच रहे। जदों सारे थाई सरकारी खरीद खत्म हो गई, किसान व्यापारी ने कुछ नहीं देना, पूरी तरह लुट लैना। पिंडां च रहण वाले जिन्होंने कोल अपना खाण वास्ते कुछ नहीं, मुल लैके खाते आ, उन्होंने डीपूआं दे राही कुछ भी नहीं दिता जा सकता, क्योंकि जदों खरीदना कुछ नहीं सरकार ने, गोदामां च नहीं रखना, तो फिर लोगों नूं सस्ते भा ते दिता भी नहीं जाना। इस करके जिहड़े 40 करोड़ के लागे लोग रात नूं भुखे सौ जांदे आ, उन्हां दे विच वड्डी गिणती च वाधा होना, लोग भुखे मरने मजबूर हो जाए। तो पिछले 18वें दिन तक असीं अज बिल्कुल डटे हुए हाँ, मजदूर की हालत पहले ही माड़ी आ, किसान की उस तो भी माड़ी आ। भी इत्थे कई लोग प्रचार करते आ भी ये कि हिंदू के विरोधी आ जां मुसलमान के विरोधी, ये पूरे हिंदुस्तान की धरती के वह लोग जिहड़े किरत करते लोग आ, उन्हां दी लड़ाई है, सांझी लड़ाई है साडी, ते असीं इस मंच तों वी कहिंदे आ वी सांझे हो के लड़ीए, बिना भेदभाव दे कैप्टन ने उह कर देना, कल नूं ये कर देना, होना कुछ नहीं गा, इन्हां सिर्फ मतलब इत्थे पोचा पाउण दी कोशिश करनी आ, क्योंकि इलैक्शन सिर ते खड़ी आ, ते जे उहदे विच वी कुछ करदा इहदा सिहरा वी जिहड़ा वा किसान जथेबंदियां दा सांझा संघर्ष आ उह वी साडी जित होवेगी। इन्होंने सानू विस्तार नाल दस्सिया भी अज सानू की दिक्कतां आ रही। मैं भुपिंदर सिंह, फास्ट न्यूज़ इंडिया, कैमरा मैन प्रताप सिंह।